दोस्तों आपको पता है कि हमेशा मैं आपके लिए यहाँ पे यूनिक यूनिक चीजें लेकर आता हूँ, तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक DIY गार्डनिंग सेट, जहाँ पे हम इस किट की मदद से असली पौधे उगा सकते हैं। तो जल्दी से ओपन करते हैं इस बॉक्स को और निकालते हैं इसके कंटेंट्स को बाहर। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ हर एक तरह के टॉयज एंड गेम्स, एक्सपेरिमेंट किट, सभी तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों बॉक्स मैंने ओपन कर लिया, सामान निकाल लिया है बाहर। जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला है और उसके तुरंत बाद हम अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दो बड़े बड़े पैकेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है न्यूट्रिएंट बेस्ड इकोलॉजिकल सॉइल, मतलब सीधी हिंदी भाषा में ये खाद है। और यहाँ पे हमको 6 पैकेट जो है सीड्स के मिल जाते हैं, 2 ऑरेंज और पिंक, अंदर कौन से घास है इसके ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और ये पौधों को पानी डालने के लिए एक जग टाइप मिल जाता है, यहाँ पानी भरेंगे आराम से डालेंगे। और कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कैरेक्टर्स बने हुए हैं, जैसे डोरेमोन है, हेलो किटी है, एक्चुअल में ये है हमारे गमले, इसके अंदर हमें भरनी है मिट्टी और इसी में ना पौधे उगेंगे। तो ऐसे हमको 4 मिल जाते हैं यहाँ पे अलग अलग। और यहाँ पे बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, जैसे ये ग्रास जब बड़ी हो जाती है तो हम काटते हैं कैंची से, वैसे ही कुछ शावल वगैरह भी मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के टूल्स यहाँ पे हैं, तो काफ़ी सही बात है। कुछ यहाँ पे हमको फेंस भी मिल जाती है, फेंस आपको पता है ना, ऐसे चारों तरफ बाउंड्री लगा देते हैं ताकि गाई वाई ना खाए, वही है शायद। और लास्ट में 2 नकली पेड़, जब असली उगा रहे तो नकली की क्या ज़रूरत है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट और देखते हैं क्या वाकई में इन गमलों से पौधे बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नेचुरल मिट्टी ले ली है और इसमें हम थोड़ी सी खाद मिलाएंगे और उसके बाद ना हम इन पॉट में उसको डालेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिक्स करना मिट्टी का। पूरा फुल हो गया, अब थोड़े से इसमें बीज डाल देते हैं। तो बीज आपको 1 से 2 mm नीचे डालने हैं। तो एक पॉट मैंने तैयार कर लिया है, अब बाकी पॉट भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी डाल दी है, खाद डाल दी और पानी भी दे दिया है मैंने। अब इन गमलों को उठा के आपको आराम से सुरक्षित जगह रख देना है और वेट करना है कि इसमें पौधे कैसे निकलते हैं। तो मैं भी आपको अपडेट देता रहूंगा हर दिन कैसे कैसे होता है और अंत में हम देखेंगे कि किस तरह के हमारे पौधे निकलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा दूसरा दिन, देख लेते हैं एक बार कैसे हो दोस्तों। कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इनके लिए। तो यार आज तो धूप आ गई है, जल्दी देख लेते हैं अपने पौधे उगे कि नहीं उगे। कैसे हो? तो अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है खास, चलो कल देखते हैं क्या होता है। तो अरे यार आज भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 दिन हो गए यार पूरे और अभी भी कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे होंगे यार बारिश जो है ना शुरू हो चुकी है, पता नहीं किस हिसाब की बारिश हो रही है। तो इनको भी किसी और जगह रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो बीज जो है हमारे ख़राब हो सकते हैं या इधर उधर खिसक सकते हैं। तो इनको रखते हैं किसी और जगह और वेट करते हैं 2-4 दिन, देखते हैं क्या होता है यार। तो दोस्तों आज जो है 6ठा दिन है और देखते हैं, आज मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा था तो पहले वाले में इसमें कुछ नहीं है और इसमें आप देखेंगे तो आपको हल्के हल्के यहाँ पे कुछ पौधे उग रहे हैं। और ये थर्ड वाला देखिए तो यहाँ पे भी बहुत ही वाइट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी उग जाएंगे शायद से पौधे कुछ। और इसमें मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी 2 पॉट जो हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या होता है।
तो दोस्तों पहला वाला पौधा अगर हम देखते तो यहाँ पे हमें दो घास के तिनके दिखाई दे रहे हैं, दूसरी वाली में भी लगभग दो दिखाई दे रहे हैं, और ये डोरेमोन के ऊपर जो है कुछ चार पांच घास दिखाई दे रही है, और लास्ट वाला अगर आप पॉट देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी घास हमको दिख रही है। तो यार मैंने तो अपनी तरफ से सारी की सारी चीजें उसी हिसाब से डाली थी जैसा उसमें लिखा हुआ था, फिर भी हो सकता है कुछ बीज जो है इतने अच्छे ना हो, पुराने हो, या मैंने हो सकता है ज्यादा पानी वगैरह डाल दिया हो। आप जो है ध्यान से डालोगे तो कुछ इस तरह से परफेक्ट जो है ना घास आपको देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कूल लग रही है। तो दोस्तों यार यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।